अर्चना स्वीट पाकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पोहा बनाने जा रही हूँ। वैसे तो पोहा हर घर में बनता है और पोहा अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं, तो ये आप इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मॉर्निंग में खाने जाने वाले इसमें बादाम वगैरह सब डाले हुए हैं और जो हेल्दी वेजिटेबल्स है वो भी इसमें ऐड की हुई है। तो इस तरीके का पोहा बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बच्चों का फेवरेट इसमें पनीर भी डाला हुआ है। तो क्यों ना आप भी ऐसा पोहा बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बेहद पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। इसको अच्छी तरह से हमने भिगोया था और खाते समय इसमें यदि शक्कर डालना चाहे तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। ऊपर से नमकीन, अपने फेवरेट कोई भी नमकीन डाल दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें बारीक वाली ही सेव डाली जाए, मोटी सेव भी सॉफ्ट वाली चलेगा। और ब्लैक टी नहीं तो दूध वाली चाय के साथ में भी आप इसे नाश्ते में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पोहा। पोहा बनाने के लिए हमने दो कटोरी पोहा हमने भिगो के रख लिया था और ये एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो इस तरीके से सॉफ्ट हो जाना चाहिए पोहा। और फिर हमने इसके लिए थोड़े काजू लिए हुए हैं, मूंगफली के दाने हैं, हल्दी है, राई है, नमक, और ये हरे मटर है, थोड़ी हरी मिर्ची है, एक आलू है और दो छोटे प्याज है, करी पत्ता है, थोड़ा जीरा भी लिया हुआ है और गाजर काटे हुए हैं, थोड़े हमने पनीर लिए हुए हैं ये हम ऊपर से डालेंगे कस के, हरा धनिया है और ये काजू के साथ में हमने बादाम भी लिए हुए हैं और ये थोड़ा सा नारियल का पाउडर है। और जब पोहा तैयार हो जाएगा तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी नमकीन डाल देंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हमें शक्कर लेनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं पोहा बनाना। पैन को हमने गैस पे रख दिया है और इसमें अब हम एक बड़ा चमचा भर के तेल डालेंगे, क्योंकि हमें मूंगफली को इसमें सेंकना है। और थोड़े काजू डाल देते हैं, ये काजू भी सीख गए हैं, हम इसको निकाल लेते हैं और इस निकाल के इसको अलग रख देंगे। हमने आलू काट लिए हैं और प्याज को भी ऐसे लंबाई में काट लिए हैं और हरी मिर्ची को लंबी लंबी काट ली है। पोहे में हरी मिर्ची ऐसे लंबी लंबी डालेंगे, तो जिसे हरी मिर्ची नहीं खाना है तो साइड में निकाल सकता है। बच्चे वगैरह हरी मिर्ची नहीं खाना पसंद करते हैं तो उनको दिखेगी तो वो निकाल लेंगे हरी मिर्ची। अब हम तेल में सबसे पहले हम राई डालेंगे, फिर राई तड़कने लगी है तब हम उसमें जीरा डालेंगे, और फिर इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, करी पत्ते भी डाल देते हैं। मिर्ची भी एकदम अच्छी तरह से तल चुकी है इसमें, और अब हम इसमें प्याज और आलू एक साथ डालेंगे। थोड़ी गाजर डालेंगे, थोड़ी हम रखेंगे ऊपर से सर्व करने के लिए। थोड़े मटर के दाने डालेंगे और अब हम इसको थोड़ी देर आलू पकने तक इसको ढक के रख देंगे। आज थोड़ी मध्य रखेंगे ताकि ये जले ना, और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे और थोड़ा हम बाद में डालेंगे। आलू पक गए हैं, आलू पक गए हैं, अब हम इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी हम पोहे में भी, कच्चे पोहे में भी थोड़ी हल्दी डाल देंगे। पोहे में कच्ची हल्दी का फ्लेवर अच्छा लगता है,
और हम इस समय इसमें जो हमने बादाम ली थी वो बादाम भी डाल देंगे। बादाम हमें ज़्यादा नहीं, कच्ची ही रखनी है, बॉईल की हुई ये। इस समय हम बादाम डाल देंगे। अब बादाम हमने भिगो के रखी थी और थोड़ी सी बादाम हमने अलग निकाल ली है, थोड़ी इसमें अभी डाल रहे हैं। हल्दी डाल के थोड़ा हिला देते हैं, हल्दी पक जाएगी और फिर इसके अंदर हम थोड़ी शक्कर डालेंगे और फिर हम पोहा ऐड कर देते हैं इसमें। पोहा डालने से पहले हमने पोहे में भी थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और इसे मिला लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे और थोड़ा हरा धनिया हम बाद में डालेंगे, पोहे को हम इसमें मिला देते हैं और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने अच्छी तरह से पोहा डाल के मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा नमक डालते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा ही नमक डाला था सब्जी में भी, और अब हम इसमें बाकी का नमक मिला देते हैं और ऊपर से थोड़ा नारियल पाउडर डालते हैं। फ्रेश नारियल पाउडर होगा तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा ही डालना है बस, खाली नारियल का थोड़ा फ्लेवर आ जाता है इसमें। और अब थोड़ा सा हम इसमें कसा हुआ पनीर डाल देते हैं। बड़े बड़े टुकड़े पनीर के वो नहीं चाहिए, वो निकाल लेते हैं और थोड़ा पनीर हम रख लेते हैं, ऊपर से डालेंगे। सबको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। और जो हमने मूंगफली सेकी थी, काजू और मूंगफली सेकी थी, वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। और थोड़े से हमने रख लिए हैं ऊपर से डालने के लिए, तो थोड़े हम इसमें मिला देते हैं। इस तरीके से पोहा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये तो बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने काजू, बादाम और वेजिटेबल्स, ग्रीन पीसेस, मटर, गाजर, आलू प्याज, आलू नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, और प्याज भी कोई ज़रूरी नहीं है, और यदि आपके पास फ्लावर्स या और वेजिटेबल्स है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें अब ये बनने के बाद में इसमें ऊपर से या तो नींबू का रस डाल दीजिए, नहीं तो चाट मसाला, चाट मसाला डालने से भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसमें हम नींबू का रस नहीं डालेंगे, इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। अब पोहे में हम चाट मसाला डाल के पोहे का मस्त एकदम चटपटा बना दें और ये बहुत ज़्यादा मस्त लगेगा खाने में, बहुत टेस्टी लगेगा। तो चाट मसाला डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बस रेडी, झटपट से ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, पोहे का हो गया। अब हम इसमें थोड़ी जो हमने कच्ची प्याज, कच्चा ये गाजर निकाला हुआ था, ये हम इसमें चारों तरफ से लगा देते हैं। पोहे के साथ साथ में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में गाजर भी खाइए, अच्छी लगेगी, हेल्दी है गाजर, तो सुबह के समय अच्छा ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों को भी देना चाहिए। आप भी जरूर इसे इसी टाइप का बनाइए और ऊपर से इसमें थोड़ा हम पनीर डाल देते हैं कस के, थोड़ी सी हरा धनिया। लीजिए, तैयार है हेल्दी पोहा। इस तरीके से पोहा बनाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।